ये क्या कर दिया आपने, मेरा बिस्कुट खराब कर दिया। अबे बिस्किट छोड़, तेरी वजह से जो मेरी चप्पल खराब हुई उसको क्या, तेरे इस दो कौड़ी के बिस्किट की वजह से मेरी 2500 की चप्पल खराब होगी। रोड पे तो ऐसे बैठे जैसे कोई डाइनिंग टेबल हो इसका। मैडम हम इस बिस्कुट के लिए सुबह से भीख मांग रहे हैं और आपने इसी को खराब कर दिया और हमें बहुत तेज भूख लगी है। खड़ा तो बीच रोड पे बैठ के तू बिस्किट खा रहा है, ऊपर से इसके ऊपर चिल्ला रहा है, तुझे शर्म नहीं आती क्या? लेकिन सब सारा चल पिछड़ के तुझे बिस्किट खाएगा तू, अभी मेरे सैलरी का नुकसान कौन भरेगा, चल इसे चाट के साफ कर। पर मैडम आप लोगों को तो देख के चलना चाहिए था ना। अच्छा हमें देख के चलना चाहिए था, रुक तुझे तो मैं बताती हूँ। भिखारी तेरी वजह से हमारा इतना टाइम वेस्ट हो गया, अगर मुझे लेट नहीं हो रहा होता ना तुझे इतनी मार लगाती कि तेरे साथ पुछते याद रखती, सारा टाइम वेस्ट कर दिया। चल अभिषेक यहाँ से। हमारा बिस्कुट अब हम क्या खाएंगे, बहुत तेज भूख भी लग रही है। अरे छोटे मैंने सब कुछ देख लिया, उन दोनों ने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा। मेरे पास पैसे तो नहीं है तेरे को देने के लिए, लेकिन हाँ मेरे पास मेरा लंच है, मैं घर से चावल बना के लाया हूँ फ्रेश, ले इसे तू खा ले। पर साहब आप क्या खाओगे? अरे छोटे तू उसकी टेंशन मत ले, मैं तो कहीं से भी खा लूँगा, और मुझे अच्छे से पता है जब कोई भूखा रहता है ना तो उसके ऊपर क्या बीतती है। वो क्या है ना, मेरी माँ नहीं है, मैं गांव से यहाँ पे अकेला आया हूँ, और वैसे भी आज मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो भगवान से प्रार्थना करियो कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए और मुझे एक अच्छी सी जॉब लग जाए। मेरे घर पे मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनको पढ़ाना है लिखाना है, अच्छी क्वालिफिकेशन देनी है, उनका भी देख रेख करना है, तो तू ये खा ले। साहब बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप जैसे सोच रखने वाले इंसान रहोगे ना तो हम जैसे गरीब भूखे नहीं सोएंगे। साहब एक वो लोग हैं जिन्होंने मेरा खाना कुचल दिया, और एक आप हो जिन्होंने मुझे अपना खाना दिया। साहब मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपका इंटरव्यू पास हो जाए और आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। अरे तेरा बहुत बहुत शुक्रिया छोटे, और वैसे भी ना इंसान इंसान का फ़र्क होता है, किसी के अंदर इंसानियत होती है और किसी के अंदर हैवानियत। बाकी तू ये खा लियो, मैं अपने इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक है साहब। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे तुम लोगों का इंटरव्यू है क्या आज मेरी कंपनी के अंदर? क्या सर आप हमें पहले से जानते हैं? हाँ, और तुम लोगों को क्यों नहीं जानूंगा, तुम लोग तो गरीबों की मदद करते हो, समाज के अंदर अच्छा काम कर रहे हो, तो तुम लोगों को तो यार कौन नहीं जानेगा, मैं तुम्हें बहुत पहले से बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ सर, वो ना हमारे घर वालों ने ना हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं गरीबों के प्रति, इसलिए हम उन्हें खाना खिलाते हैं, उनकी मदद करते हैं, और सर भगवान ने हमें इस लायक बनाया है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं ना उनके लिए। अच्छा तो ये सारे संस्कार तुम्हारे घर से आए हैं? जी सर, और कहाँ से मिलेंगे हमें। गरीबों को मारना पीटना, उनको सताना, उनके खाने को फेंकना, ये सारी बदतमीजी तुम्हारे घर वालों ने सिखाई होगी तुम्हें। नहीं सर, आप ये कैसे बातें कर रहे हैं, हमारे घर वालों ने तो हमें गरीबों के प्रति अच्छे संस्कार दिए हैं। अरे शांत हो जाओ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, और तुम ये जानना चाहते हो ना तुम्हें कैसे जानता हूँ? तुम्हें याद होगा अभी थोड़ी देर पहले जब तुम उस बच्चे के साथ में अत्याचार कर रहे थे, उसके खाने को फेंक रहे थे, तो मैं वहीं था गाड़ी में से खड़े होकर मैंने सारा ड्रामा देखा तुम्हारा, कैसे तुमने उसके साथ में बदतमीजी करी। मैं 5 मिनट में बात करता हूँ तुमसे। अरे यार कैसे कैसे इंसान है, एक तरफ तो ये लड़का कितने अच्छे काम कर रहा है, उस गरीब बेचारे बच्चे को अपना खाना भी दे दिया, और वहाँ दूसरी तरफ वो लड़के लड़कियाँ एक तो उसका खाना भी खराब कर दिया, ऊपर से उसको मार के भी चले गए। अरे नहीं सर, मैंने उस गरीब को परेशान नहीं किया, ये बदतमीजी उस गरीब को परेशान कर रही थी। अरे शांत हो जाओ, दोनों एक दूसरे को ब्लेम करे जा रहे हो, सब कुछ ना मैंने अपनी आंखों से देखा था, तुम दोनों ही उसको परेशान कर रहे थे, और बाद में ना इन्होंने आके उसकी मदद करी थी, अपना खाना दिया था। अरे किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम किसी की परेशानी तो मत बनो। सर मैं सच बोल रही हूँ, इसी ने मुझे धक्का दिया था, तभी मेरा पैर उसके बिस्किट पे जाके लगा था, नहीं तो सर मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। अच्छा
अब तुम्हें पता चल गया कि वो पैर तुम्हारा इसकी वजह से गया था। तब क्या हुआ था? तब तो तुमने उसके साथ में बदतमीजी करी, उसको मारा पीटा, अब क्या हो गया? सर वो ना, मैं थोड़ा स्ट्रेस में थी इंटरव्यू को लेके। अरे शांत हो जाओ, इंटरव्यू उनका भी था, पर उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, उन्होंने तो बल्कि उसको अपना खाना भी दिया। पता है तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम दोनों अंदर से हो ही ऐसे। अगर मैंने तुम दोनों को अपनी कंपनी में रख लिया ना, तो तुम मेरी कंपनी का भी सेम यही हाल कर दोगे। सुनो, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। यू बोथ आर गेट आउट। बट सर। अरे मैंने बोला निकलो। और तुम्हारा व्यवहार काफी अच्छा है। अगर तुम्हारा व्यवहार ऐसी रहेगा ना, तो तुम अपनी जिंदगी में काफी ऊंचाइयों पे जाओगे। गॉड ब्लेस यू। मैं आपको अपनी कंपनी के अंदर जॉब देता हूँ, आप कल से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर।